हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है, यानी कि इसके पहले मैंने दोस्तों एक क्लास ले चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। एक बात और दोस्तों, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आपके घर में अगर कोई भी बच्चा, छोटा भाई या फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव अगर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट से सब से तैयारी कर सकता है, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों, और उससे बनने वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। राम ने एक साइकिल रुपया 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। ऑप्शन ए है आपका 1050, ऑप्शन बी आपका है 1080, ऑप्शन सी आपका है 1500 और ऑप्शन डी है 1800। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्तों दो तरीका मैं बताऊंगा, दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों तरीके मैं बताऊंगा, जो तरीका आपको समझ में आएगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कितने रुपए की साइकिल है? 1000 रुपए की साइकिल है। तो ये जो 1000 है ये राम के लिए सीपी है, ओके। 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। अब दोस्तों, 1000 का 20% का लाभ अगर लेता है तो 120/100, ओके। अब जो दोस्तों ये आपकी पूरी वैल्यू है, इतने में बेच दिया, यानी श्याम के लिए जो क्रय मूल्य का मान होगा 1000 × 120/100, ये आपका दोस्तों श्याम के लिए क्रय मूल्य है उस साइकिल का। अब आगे देखिए, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, यानी मोहन के लिए इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? 10% का घाटा, इसी सीपी पर 10% का घाटा सह रहा है श्याम, तो इसी का आप 90%, यानी 10% घाटा तो 90% / 100, यानी ये जो आपकी पूरी वैल्यू आपकी हो गई, इतनी पूरी वैल्यू हो गई, ये आपका सीपी हो गया किसके लिए? मोहन के लिए। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, क्या मैंने बोला 1000 रुपया सीपी है किसके लिए? राम के लिए। अगर 1000 का 20% राम लेता है तो 1000 का 20% मैंने निकाल दिया, तो इतनी वैल्यू हो गई श्याम के लिए सीपी का मान। अब जितने में श्याम खरीद रहा है उसका 10% घाटा सहकर मोहन को बेच रहा है, यानी मोहन के लिए अगर इस पूरी का मान निकाल दें तो मोहन के लिए सीपी का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दोस्तों हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो है तो 1 और 2 जीरो कैंसिल, तो 12 9 108 और यहां पर 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि उस साइकिल का रेट जो है मोहन के लिए हो जाएगा 1080 रुपए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो मैंने बताया फर्स्ट तरीका। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सेकंड तरीके देखिएगा। सेकंड तरीका ये है दोस्तों, राम है तो यहां पर आप राम लिख लीजिए, ओके। और दूसरे श्याम है, श्याम लिख लीजिए, और तीसरा आपका मोहन है, मोहन लिख लीजिए, ओके। राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा, 20% का लाभ। अगर दोस्तों राम 20% का लाभ लेता है, इसका मतलब क्या? 5 से 6, ये सारी चीजें मैंने दोस्तों परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर परसेंटेज चैप्टर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों 20% लाभ का सेंस क्या है? 5 से 6, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, यानी राम के लिए साइकिल का क्रय मूल्य 5 रेशियो है और श्याम के लिए 6 रेशियो। फिर आगे बोला है, श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को
को बेच दिया, यानी जो 6 रुपए है श्याम के लिए सीपी, इस पर 10% का घाटा सह रहा है। तो निकाल लीजिए कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 9 6 54 बटे 10, यानी 5.4, यानी जो मोहन के लिए सीपी का मान हो जाएगा वो 5.4 हो जाएगा। मोहन के लिए जो सीपी का मान हो जाएगा वो 5.4 हो जाएगा। और दोस्तों जो 5 रेशियो की वैल्यू है राम के लिए वो 1000 है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 1000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 200 है। तो बोला है मोहन के लिए साइकिल का मूल्य, तो 1 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 5.4 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1080। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके पहले जो तरीका है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% का लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8000 रुपए में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। ऑप्शन ए 6734, ऑप्शन बी 6500, ऑप्शन सी 6700 और ऑप्शन डी 7000। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लिया हमको क्या निकालना है, ए का क्रय मूल्य। मान लिया मैंने ए का क्रय मूल्य एक्स है, ओके। 10% का लाभ पर बी को बेचा, 10% का अगर लाभ लेता है यानी 110/100। फिर क्या बोला है, बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, तो इसका 10% हानि यानी 90/100। फिर गुणे सी ने 20% का लाभ पर डी को बेचा, सी ने 20% का लाभ पर डी को बेचा यानी 120/100। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। तो जब डी को बेचा तो वो सामान जो डी खरीद रहा है वो 8000 रुपया अदा कर रहा है, यानी यहां तक 8000 रुपया हो जाएगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मैंने मान लिया ए ने उस वस्तु को 1 रुपए में खरीदा था, 10% का लाभ लिया बी को दिया, बी ने 10% का हानि पर सी को दिया, सी ने 20% का लाभ लेकर डी को दिया, जो कि डी ने ए 8000 रुपया है। तो 8000 बराबर मैंने कर दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 2 1 2 फिर 1 1, ओके। अब दोस्तों यहां से आपको हो जाएगा 8000 बराबर यक्स गुड़े 11 गुड़े 9 गुड़े 12 बटे कितना होगा, 10 गुड़े 100, 10 गुड़े 100। यहां तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसको मैं 12 से काट देता हूं, तो हो जाएगा 12 6 72, फिर बचे 8 0, तो हो जाएगा आपका 12 6 72, फिर 8 0 12 6 72, फिर 8 0 यानी 666.6, यानी आपका यक्स का जो मान आ जाएगा 1000 × 66.6 बट्टे कितना होगा, 99। यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर होगा 6734 होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, ऑप्शन ए 4500, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10% लाभ का सेंस क्या है, 10 से 11, ओके। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो दोस्तों 15% लाभ का सेंस क्या है, 20 से 23। ए आपका सीपी है और ए आपका एसपी है, ओके। 10% लाभ मतलब 10 से 11, 15% लाभ मतलब 20 से 23। अब दोस्तों सीपी का मान तो दोनों में सेम होना चाहिए, एसपी तो कुछ भी हो लेकिन सीपी का मान एक ही वस्तु है तो दोनों में सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहां से भी 2 से गुणा और यहां से भी 2 से गुणा। अब देखिए सीपी का मान दोनों जगह सेम हो गया ना। अब दोस्तों 200 अधिक मिलते हैं, तो उसको देखिए दोस्तों 200 अधिक क्यों मिल रहे हैं। यहां पर आपका 22 रेशियो है और यहां पर 23 रेशियो,
यानी एक रेशियो की बढ़त से, एक रेशियो की वृद्धि की वजह से उसको 200 रुपया अधिक मिलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, एक रेशियो की वृद्धि की वजह से 200 रुपया अधिक मिलते हैं। तो बोला जा रहा है कि घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, यानी सीपी निकालना है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 200 है तो 20 रेशियो की वैल्यू कितना होगा, तो 20 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए तो 4000 रुपया हो जाएगा। यानी महेश ने उस घड़ी को 4000 रुपए में खरीदा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे रुपया 60 अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1200 और ऑप्शन डी 1800। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिएगा ध्यान से। 10% हानि पर, 10% हानि का सेंस क्या है दोस्तों, 10 से 9, यानी कि सीपी अगर उसका 10 है तो एसपी 9 है। 10% हानि का सेंस 10 से 9। फिर आगे देखिए, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, 5% हानि का सेंस क्या है दोस्तों, 20 से 19, यानी कि यदि उसका 20 सीपी है तो 19 एसपी। तो दोस्तों एक चीज आप देख रहे हैं, सीपी का मान इसमें भी सेम नहीं है, तो सीपी का मान सेम होना चाहिए ना, क्योंकि दोस्तों घड़ी तो एक ही है, तो दोनों जगह सीपी का मान सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों सीपी का मान देखिए सेम हो गया, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। तो दोस्तों ये 60 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 18 एसपी है और यहाँ पर 19 एसपी है, यानी एक रेशियो की वजह से आपका 60 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 18, यहाँ पर 19, यानी एक रेशियो की वजह से 60 का अंतर आ रहा है। तो कितने रुपए में खरीदा था, अगर एक रेशियो की वैल्यू 60 है तो 20 रेशियो की वैल्यू कितना होगा, 1200। यानी महेश ने उस घड़ी को 1200 में खरीदा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो रुपया 3000 अधिक मिलते, कि मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन ए आपका है 12000, ऑप्शन बी आपका है 10000, ऑप्शन सी आपका है 15000 और ऑप्शन डी है 20000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगाया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी लगाना है। 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या है, ये सीपी है, ये एसपी है। अगर 10% हानि का सेंस है, अगर सीपी 10 है तो एसपी आपका 9 होगा। ओके, फिर बोला जा रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता तो, 20% लाभ का सेंस क्या है, 5 से 6। अब दोस्तों देख पा रहे हैं यहां पर भी सीपी का मान सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप 2 से गुणा, यहां पर भी 2 से गुणा। अब देखिए दोस्तों यहां पर भी सीपी 10 हो गया और यहां पर भी सीपी 10 हो गया। अब दोनों जगह सीपी का मान सेम हो गया, 3000 अधिक मिलते। तो दोस्तों 3000 अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 9 है एसपी और यहाँ पर 12 है, यानी 3 रेशियो का डिफरेंस है। यहाँ पर 9 है और यहाँ 12 है, यानी 3 रेशियो के डिफरेंस की वजह से 3000 अधिक मिलते। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया, 1000। तो बोला जा रहा है क्रय मूल्य बताइए, अगर एक रेशियो की वैल्यू 1000 है तो 10 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10000। यानी घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा वो 10000 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड हानि के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट, ट्रिक और उससे बनने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों कल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 यानी तीसरी क्लास होगी, तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर हमारी क्लास 5 से 6 दिन देखते हैं तो आपके मैथ में बहुत ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सो दोस्तों डेली के 15 से 20 मिनट जरूर दीजिएगा, आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने आप में। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।